Welcome to All Aboard, and this is Shilpi Kanchan. So in this video, we are going to discuss a very important topic from the point of view of your examination. Ye topic jo hai, wo GMA, time and again, there are at least 2 to 3 questions from this particular topic. So the topic is National and International Obituaries. Obituaries basically means shok sandesh, yani ki jab kisi ki death ho jati hai, wo usko hum obituary kehte hai. So without further ado, let's get into the video. So before starting the video, I would request you guys to subscribe to All Aboard and hit the bell icon so that you never miss any update. Chaliye, to ab apna video shuru karte hain. Since there are a lot of names, so you have to bear with me. First name is Andreas Nicholas Lauda. So he was an Austrian Formula 1 driver and he was the only driver in F1 history. Yani ki Formula 1 history ke mein ye ekmatra aise driver hain jinhone Ferrari aur McLaren dono ki taraf se hi gaadi chalai hai aur usko jeeta bhi hai. So Andreas Nicholas Lauda. Theek hai, and he was from Austria. So question aapse 2-3 tarike se puche ja sakte hain. Ya to ye diya ja sakta hai only driver to drive the cars of Ferrari aur McLaren and he died recently. या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एंड्रियस निकोलस हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब आप कवर करके रखिएगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कार्लस जूने, बाइक रेसर फ्रॉम यूएसए. सो इनका हाल ही में निधन हुआ है एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ माउंटेन्स. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जब इनकी डेथ हुई है सो ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन पाइक्स पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब रेस जिसका ये डिफेंड कर रहे थे टाइटल. 4 बार ये इस टाइटल को जीत चुके थे. 2018 में भी इन्होंने ही जीता था एंड वाइल ही वॉज डिफेंडिंग इस टाइटल ही डाइड. सो इट इज़ एक्चुअली एन अनफॉर्चुनेट केस और ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन. सो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा दैट कार्लिन ड्यूने वॉज अ बाइक रेसर. थर्ड पॉइंट देखते हैं, बैद्यनाथ मिश्रा. सो ही वॉज अ वेरी रेनाउड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम उड़ीसा. सो नाउ दिस क्वेश्चन भी आस्क्ड कि एक बहुत ही रेनाउड इकोनॉमिस्ट थे जो कि उड़ीसा से थे जिनकी डेथ हुई है. सो वॉट वॉज इज नेम. अदरवाइज यू कुड बी आस्क्ड कि बैद्यनाथ मिश्रा जो थे वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे. ऑप्शंस कुछ ऐसे दे देंगे, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, फिल्म मेकिंग. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दैट ही बिलोंग टू इकोनॉमिक्स. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, किरपाल सिंह. सो ही वॉज द फर्स्ट क्रॉनिकलर ऑफ इंडियाज पार्टीशन. यानी कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में तो उसको जो क्रोनोलॉजिकली लिखा था या उसकी जो हिस्ट्री लिखी थी सो वो सबसे पहले लिखी थी किरपाल सिंह ने. एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ नेशनल प्रोफेसर ऑफ सिखिज्म. अगर इनके वर्क्स पे जाएंगे सो ही हैज रिटन अलॉट अबाउट सिखिज्म. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम बी बालाकृष्णन. ही वॉज अ स्विमर एंड ही वॉज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड. सो इनकी बाइक चलाते टाइम ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. सो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट. और इन्होंने गोल्ड जीता था ड्यूरिंग 11th साउथ एशियन गेम्स. कृष्णा सोपती, शी वॉज अ वेरी फेमस हिंदी लैंग्वेज राइटर. और इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लिटरेचर के लिए इंडिया में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो इन्होंने जीता था. इसके अलावा इनके एक दो फेमस वर्क्स हैं जैसे कि जिंदगी नामा, दिस इज क्वाइट फेमस. इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था. एंड मित्रों मरजानी, दिस इज हर मोस्ट फेमस वर्क. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो फेमस राइटर्स होते हैं उनके आपसे वर्क भी पूछ लिए जाते हैं दैट हु डाइड रिसेंटली, हु वॉज द ऑथर ऑफ जिंदगी नामा. सो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना. कृष्णा सोबती. थंजावुर रामामूर्ति, सो ही वॉज रिलेटेड टू कर्नाटिक म्यूजिक और ये मृदंग बजाते थे. नेक्स्ट है प्रदीप चौबे. सो ही वॉज अ रेनाउड हिंदी पोएट, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे एंड ये सेटायरिस्ट भी थे. यानी कि सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं उसको सेटायर के रूप में ये पेश करते थे, व्यंग्य के रूप में पेश करते थे, प्रदीप चौबे. वाई सी देवेश्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बिल्कुल आ सकता है ये वाला क्वेश्चन. ITC कॉरपोरेट चीफ. ठीक है, ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये ITC के चीफ थे, इनकी डेथ हो गई है और अब नए चीफ जो बने हैं ही इज संजीव पुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी विश्वनाथन मेनन. ही वॉज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम केरला और लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. सो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, यानी कि जो शुरुआती जो मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उसमें से ये एक थे और काफी फेमस थे ये केरला में. सो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है कि वी विश्वनाथन किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स. सो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है या फिर इनका स्टेट भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजया मूले. शी वॉज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड अ फिल्म हिस्टोरियन. ओके,
थोपिल मोहम्मद मीरान, ये इम्पोर्टेंट है. ही वॉज अ तमिल राइटर. देखिए ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ही यूज टू राइट इन विच लैंग्वेज. डेरिक सिपी, ही वॉज अ बिलियर्ड्स प्लेयर और बिलियर्ड्स के कोच भी थे ये. ओके. हीरा लाल यादव, ही वॉज अ भोजपुरी सिंगर, ही डाइड रिसेंटली. सो इनका भी आपसे लैंग्वेज पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज के ये गाने गाते थे. चूंकि नाम से लग रहा है कि नॉर्थ इंडियन है तो जो लैंग्वेजेस भी आपको दी जाएंगी वो नॉर्थ इंडिया की ही होंगी, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा. एन आर माधव मेनन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस जो NLSIU बैंगलोर है, NUJS कोलकाता है और नेशनल जुडिशियल अकेडमी है जो भोपाल की, उन तीनों के ही फाउंडर एन आर माधव मेनन थे. सो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आ सकता है. आंद्रे प्रवीण, ही वॉज अ कंपोजर, अ पाइनिस्ट यानी कि जो पियानो प्ले करते हैं, एंड 4-time ऑस्कर विनर. सो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हु वॉज द 4-time ऑस्कर विनर हु डाइड रिसेंटली. सो आंसर इज आंद्रे प्रवीण. एलन ग्रेशिया, देखिए अगर किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो वो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर दी हेड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. सो उनका भी आपको ध्यान रखना है. एलन गार्सिया जो थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू. पेरू की कैपिटल है लिमा. और आप लोग मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज द करेंसी ऑफ पेरू. नेक्स्ट है अनुसुईया देवी, शी वॉज अ फोक आर्टिस्ट एंड अ रेडियो कॉमेंट्रेटर. नेक्स्ट है मार्क मेडोफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्लेस काफी फेमस हैं. सो मार्क मेडोफ जो है ये अमेरिकन प्ले राइटर है. नेक्स्ट इज जेरी कॉब, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. शी बिलोंग टू अमेरिका. शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ऑफ नासा, लेकिन नासा उनको नहीं कंसिडर करता है क्योंकि 1978 तक नासा के कोई भी मिशन में फीमेल को शामिल नहीं किया जाता था. सो शी वॉज ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ फीमेल राइट्स. सो सैली राइट जो है, आपने नाम सुना होगा, शी वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा, बट अगर एक्चुअल टर्म्स में देखें देन इट इज जेरी कॉब. जॉन सिंगल्टन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट एफ्रीकन अमेरिकन एंड यंगेस्ट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड टू बी द बेस्ट डायरेक्टर एट ऑस्कर अवार्ड. सो ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जीते नहीं थे, ही वॉज नॉमिनेटेड, या फिर यंगेस्ट पर्सन कौन थे. सो ही वॉज नॉमिनेटेड आई गेस इन 1990. नेक्स्ट इज पुंगम कन्नन. सो ये हमारे इंडियन फुटबॉलर थे. अब देखिए फुटबॉल हॉकी यहाँ से काफी सारे पूछ लिए जाते हैं बिकॉज जनरली भी इंडियंस ओनली केयर अबाउट क्रिकेट. सो इसलिए फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर्स ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पेले ऑफ एशिया. सो इट इज अ वेरी ह्यूज टाइटल फॉर समवन हु बिलोंग टू अवर कंट्री. नेक्स्ट देखते हैं गिरीश कर्नाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गिरीश कर्नाड एक कन्नड़ प्लेराइट थे और ये मूवी डायरेक्टर भी थे. बहुत सारे इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी जीता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता है. सो ही वॉज वेरी फेमस राइटर, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज ब्रिजमोहन खेतान, BM खेतान करके भी दिया जा सकता है. ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. सो ही इज ऑल्सो नोन एज द एवरग्रीन टी मैन ऑफ इंडिया, यानी कि चाय का जो बल्क का बिजनेस था वो इन्होंने शुरू किया था एंड अपेरेंटली वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसेस में से इनका बिजनेस कंसीडर किया जाता है. सो ये बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में दैट BM खेतान वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. प्रफुल्ल राजगुरु, ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड एन अकेडमिशियन. अब ये कहाँ से थे, तो ये थे असम से. ओके. माते महादेवी, शी वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ लिंगायत कम्युनिटी एंड शी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट फीमेल जगत गुरु. अब यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दे देंगे माते महादेवी, माते माहेश्वरी. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ माते याद कर लिए एंड यू आर डन, यू शुड नो द फुल नेम एज वेल. ओके. सो माते महादेवी थी जो लिंगायत कम्युनिटी है डाउन साउथ, इट इज बीन रिवर्ड, सो उसकी स्पिरिचुअल हेड थी. SK शिवा कुमार, ही वॉज द स्पेस साइंटिस्ट ऑफ इसरो एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन चंद्रयान 1 एंड मंगलयान. सो ये आप ध्यान रखिएगा, शिव कुमार. ओके. एलरीसा थियोनन फोरी, सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, शी वॉज जस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज और ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर थी, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने खेला है एंड शी डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 25 इन अ कार एक्सीडेंट. सो एलरीसा थियोनिसन फोरी, आप लोग से फोरी करके याद रख लो,
फोर ही से फोर ऑब्वियसली क्रिकेट में ही मारे जाते हैं चौके छक्के टाइप्स, सो यू कैन रिमेम्बर इट इन दिस वे दैट फोर ही एंड शी बिलोंग टू क्रिकेट. मोहन रानाडे, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर इन गोवा लिबरेशन मूवमेंट. सो जो गोवा की आज़ादी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, पोर्चुगीज लोग जो थे वो सबसे लास्ट में गए थे, अराउंड 1960s में वो लोग गए थे यहाँ से, इंडिया से. सो गोवा के लिबरेशन में मोहन रानाडे की बहुत बड़ी भूमिका थी. नेक्स्ट इज मोहन रंगाचारी. अब देखो, मोहन रानाडे और मोहन रंगाचारी को कंफ्यूज मत करना, ठीक है. रानाडे वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड मोहन रंगाचारी वॉज अ तमिल प्ले राइट. अब मोहन रंगाचारी को गिरीश कर्नाड से भी कंफ्यूज मत करना, बिकॉज गिरीश कर्नाड वॉज अ कन्नड़ प्ले राइट एंड मोहन रंगाचारी वॉज अ तमिल प्ले राइट. इनको क्रेजी मोहन के नाम से भी जाना जाता है. सो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि आपसे क्रेजी मोहन ही पूछा जाएगा. नेक्स्ट इज अमर पॉल. सो अमर पॉल जो थे, पॉल सरनेम जनरली बंगालीज का ही होता है, सो ही वॉज अ बंगाली फोक सिंगर, ठीक है. नेक्स्ट इज निकासो गिदादा. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन ये प्रेसिडेंट थे इथियोपिया के, सो यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि इथियोपिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है. निकासो गिदादा, ओके. नेक्स्ट इज विहारी दास पटेल. अगेन ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. ये गुजरात से बिलोंग करते थे. पटेल सरनेम से आप समझ सकते हो कि ये गुजराती सरनेम है. देन ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इन इंडिया. ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, आपसे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु लॉन्च द एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इन इंडिया एंड ही वॉज फ्रॉम गुजरात, सो वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. सो विहारी दास पटेल. नेक्स्ट इज कार्तिक रथ. ही वॉज फ्रॉम उड़ीसा और ये ड्रामा लिखा करते थे, सो बेसिकली ये थिएटर से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज मोहम्मद मोरसी. ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे. अब देखिए, यहाँ पे आप इजिप्ट और इथियोपिया को भी आपस में कंफ्यूज मत करिएगा. इजिप्ट बेसिकली मुस्लिम बहुल देश है, सो इसलिए मोहम्मद मोरसी. एंड इथियोपिया इज ऑब्वियसली इन अफ्रीका, तो यहाँ का नाम भी आपको देखने में अलग सा ही लग रहा है, निकासो गिदादा. ओके ओके सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एक दो बार, देन डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ऑबिचुअरी का, इससे बाहर नहीं जाएगा. ऑल्दो बहुत सारी ऑबिचुअरीज हैं, लेकिन सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहीं पूछी जाती हैं. सो इफ यू लर्न दीज, आई गेस 20 to 25 ऑबिचुअरीज आर देयर विच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू बी सफिशियंट फॉर यू. सो या, आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल द टाइम स्टे हैप्पी, प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट. बाय.